दोस्तों, आप अगर जानना चाहते हैं कि अपने व्हाट्सएप में अगर आप जो मैसेजेस होते हैं आप उसे डिलीट कर देते हैं गलती से और आप उसे वापस लाना चाहते हैं, रिकवर करना चाहते हो मैसेज, तो आप वीडियो लास्ट तक देखते रहे। मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे टेक्निकल हिंदी। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि जो भी व्हाट्सएप में मैसेज है, एक बात ध्यान में रखिए कि अगर 7 दिन के ऊपर आपके व्हाट्सएप मैसेज अगर हो जाते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। 7 दिन के अंदर जो भी आपके मैसेजेस है वो रिकवर हो जाएंगे। देखिए, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं और मैं आपको इस पे कुछ जो मैसेजेस है वो डिलीट करके बताता हूँ। जैसे कि देखिए, ये मेरे दोस्त और मैं इनके कुछ मैसेज डिलीट कर रहा हूँ। ये देखिए, ये जो फोटो है ये सब कुछ हम डिलीट कर देते हैं। ये देखिए, और ऊपर डिलीट का ऑप्शन है, मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैं डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए, अभी जो के था वो जो मैसेज थे वो डिलीट हो चुके। तो अभी हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे सेटिंग में जाना है। अगर आपके मैसेज डिलीट हो जाते हैं तो आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे अपने मोबाइल में एप्स ढूंढना है आपको, जो कि व्हाट्सएप होगा। सेटिंग में जाके एप्स में आप व्हाट्सएप ढूंढ लीजिए यहाँ पे। देखिए व्हाट्सएप, और क्या करे, इसके जो डेटा है वो क्लियर कर ले। तो ये देखिए क्या से होता है, मेरा यहाँ से होता है। तो देखिए, क्लियर डेटा मैं यहाँ से कर देता हूँ। तो हम इसे क्लियर डेटा कर देते हैं। जो भी आपके व्हाट्सएप के मैसेजेस है 7 दिन के अंदर जितने भी डिलीट हो चुके हैं सब वापस आ जाते हैं। देखिए, क्लियर डेटा हो चुका है। तो अभी हमें क्या करना होगा, व्हाट्सएप में फिर से जाना होगा। अभी हम अगर व्हाट्सएप में फिर से जाते हैं दोस्तों, तो देखिए व्हाट्सएप फिर से शुरू हो जाता है। तो क्या करें, एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दे। इसके बाद इसे कंटिन्यू कर देते हैं और जो मोबाइल नंबर है वो मैं यहाँ पे मेरा डाल देता हूँ। देखिए, जैसे कि जो मेरा मोबाइल नंबर था, जो आपका मोबाइल नंबर था पहले वही डालिए, या फिर ये जो SMS है जो मैसेजेस है वो रिकॉर्ड नहीं हो गए तो जो नंबर था वही डालिए। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करें। जैसे सेम प्रोसेस है वेरिफिकेशन की, आपको वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो है अभी मुझे क्या आएगा, वेरिफिकेशन कोड आएगा। तो हम इसे देखते हैं, मेरे जो नंबर मैंने डाला था उस पर आएगा, 6 डिजिट होता है ये। तो देखिए दोस्तों, मेरा व्हाट्सएप कोड जो है आ चुका है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने डाल दिया है और वेरीफाई होना शुरू हो चुका है ऑटोमेटिकली। अब ये क्या कर रहा है दोस्तों, रिस्टोर बैकअप 7 दिन तक जो भी बैकअप आपके मोबाइल में उसका डेटाबेस था। एक बात ध्यान में रखिए, जो कि व्हाट्सएप का फोल्डर होता है अपने फाइल मैनेजर में, वो कभी भी डिलीट मत करिए। उसमें जो एक डेटाबेस का जो फोल्डर होता है, जो एप्लीकेशन होते हैं उसमें, तो डेटाबेस अगर आपके डिलीट हो जाते हैं तो आपका जो भी मैसेजेस है वो डिलीट हो जाएंगे परमानेंटली, रिस्टोर नहीं होंगे। तो एक बात ध्यान में रखिए, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ होता है, मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। ये देखिए, बैकअप फाउंड हो चुका है और हमें क्या करना है, अभी रिस्टोर पे क्लिक करना है। गलती से भी स्किप पे मत करिए, सिर्फ रिस्टोर पे क्लिक करें। जैसे दोस्तों मैं रिस्टोर पे क्लिक करता हूँ तो जो भी मैसेज उसको मिलते हैं वो सारा रिस्टोर करना शुरू हो जाता है, और वो बताता भी है कि उसने कितने मैसेज रिकवर कर लिए। तो देखिए दोस्तों, इसने 587 मैसेज रिस्टोर कर लिए। अभी हम नेक्स्ट कर देते हैं। इसके बाद भी मेरा नाम पूछ रहा है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और नेक्स्ट के बटन पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। और देखिए, अभी इंस्टॉलेशन होना शुरू हो चुका है और अभी हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करें, नेवर में क्लिक कर देता हूँ। आप डेली मंथली जो बैकअप है ऐसा कर सकते हैं, डन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे कि हमने मेरे दोस्त का जो मैसेज डिलीट कर दिया, आप देख सकते हैं दोस्तों ये वापस रिकवर आ चुके हैं। तो दोस्तों, ऐसा सिंपल तरीका है जिससे आप अपने व्हाट्सएप के मैसेज पूरी तरह से रिकवर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो YouTube में लाइक बटन जरूर दबाइए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। आप हमारे YouTube चैनल को यहाँ क्लिक करके उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो के बारे में फ्री में जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।